मुझे एक हथियार चाहिए, किसी भी तरह मुझ तक हथियार पहुंचा दो, उसके बाद मैं यहां से निकल जाऊंगा। हथियार आप तक पहुंच जाएंगे, और ये जो बीना है ये आपके बहुत काम आ सकती है। अब खुद को संभालो और अपने आंसू पोछो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जतिन, वो देखो। तुम्हें रूमा मौसी से एक सामान लेकर आना होगा। कौन सा सामान? बिटिया, वो रूमा तुम्हें खुद ही दे देगी, वो तुम्हें तालाब के पास मिलेगी। ठीक है गोली काका। लेकिन एक और वादा करो बिटिया, तुम उस सामान के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। अरे बीना बिटिया, कहाँ जा रही हैं आप? ओफो, नानी ने आपको कहा नहीं? कहा नहीं कि किसी को जाते वक्त टोकना नहीं चाहिए? अरे कौन सा किसी शुभ मुहूर्त में जा रही हैं आप? आपको क्या पता मैं किस काम से जा रही हूँ? मालूम है, मालूम है। क्या मालूम है? यही कि तुम उछल कूद करने जा रही हैं, किसी पेड़ पर चढ़ के जामुन तोड़ोगी या तो अमरुद तोड़ोगी। आपको क्या पता मैं किस काम से जा रही हूँ? मैं तो बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ। मैं तो दरअसल। लेकिन एक और वादा करो बिटिया, तुम उस सामान के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। अरे बोलिए बोलिए, चुप क्यों? कौन सा पार्ट तोड़ने जा रही हैं आप? हाँ हाँ, मैं तो अमृत तोड़ने ही जा रही थी। नहीं नहीं नहीं, वहां जाने कोई जरूरत नहीं है, पेड़ वेड़ से गिर गिर गई तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। ये मोहिराम काका मुझे सचमुच नहीं जाने देंगे, और अगर मैं इनके सामने गई तो घर में सबको मालूम हो जाएगा, और वह रूमा मौसी भी इंतजार कर रही होगी। आप क्या, आप मुझे बेवकूफ बनाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ रही हैं? कह देता हूँ आपको, धूप में तो मैं कहीं नहीं ले जाऊंगा आपको। मैं पेड़ के नीचे ही तो बैठने जा रही हूँ ना, वहाँ धूप थोड़ी लगती है, वहाँ तो ताजी ताजी हवा आती है। ना 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 ना, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं जाकर अभी बताऊँ मालकिन को, बताऊँ मालिक को। अरे नहीं नहीं मोहिराम काका, आप मेरा कितना ख्याल रखते है, आप मेरे लिए क्या क्या करते है, आप मुझे भावना दिखाते है, आप भला मुझे डांट सुनवाने के लिए नानी को क्यों बताएंगे? बताऊंगा आपको डांट सुनवाने के लिए नहीं, आपको रोकने के लिए। आप जाकर पेड़ पर चढ़ोगी, गिर गिर गई तो? ठीक है मोहिराम काका, मैं कहीं नहीं जाती, मैं यहीं चुपचाप बैठी रहूंगी। आप यहाँ चुपचाप क्यों बैठेंगी? चलिए अंदर जाइए, मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सामान लेने। अब ये मत कहिएगा कि मैं भी साथ चलूंगी, इतनी धूप में मैं कहीं नहीं ले जाऊंगा आपको। हाँ जाइए अंदर। सचमुच मोहिराम काका आप कितने अच्छे हो, मैं अगर पेड़ पर चढ़ी और गिर गई तो पैर टूट जाएंगे, बाजार गई तो धूप लग जाएगी, इसीलिए आप ही जाइए बाजार, मैं जाती हूँ नानी के पास अंदर। यशोदा, ये बीना कहाँ है? दो दिन से ठीक से दिखाई नहीं दी। अरे वो महानंद जी की सेवा में लगी रहती है। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात। अब वैसे भी जब से स्कूल की छुट्टियां हुई है उसके पैर घर में टिकते ही कहाँ हैं। कभी श्रीकांत के साथ वो अंग्रेज जो क्या खेल लेकर आए ना, क्रिकेट, वो खेलने निकल जाती है, कभी सहेलियों के साथ अमरूद तोड़ने निकल जाती है, और कभी करुणा बरुआ के तालाब में तैरने निकल जाती है। अच्छा उसे थोड़े घर के काम भी सिखाओ। बहू ने बहुत कोशिश की थी पर उसके पैर तो टिके रसोई में, कभी अगर दो मिनट के लिए आती भी है ना तो दो गप मार कर निकल जाती है। सब नानी के लाड़ प्यार का नतीजा है। आहा, जैसे आप उसे लाड़ करते ही नहीं है। अरे बाबा करता हूँ ना, मैंने कब मना किया, लेकिन अक्सर नाना से ज्यादा नानी के लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ते हैं। ये अच्छी बात नहीं है आपकी, बेटों के बच्चे बिगड़े तो दादी के प्यार से, बेटी के बच्चे बिगड़े तो नानी के प्यार से, इसमें दादा और नाना का तो कोई कसूर ही नहीं है। ठीक है ठीक है, पता करो कि कहाँ है, जब भी थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है तो मुझे उसकी सारी शरारतें याद आ जाती है। उस पर नजर रखना हमेशा। वैसे महानंद जी की सेवा में लगी है तो अच्छी बात है।
श्रीकांत, बीना दीदी को देखा है कहीं? हाँ, वो रुमा बुआ से मिलने उनके घर गई है। क्यों? उससे क्यों? वो रुमा बुआ नई किताबें लाई है ना, वो ही दिखाने के लिए बुलाया है। अच्छा मैं चलता हूँ। गई तुम? यानी आपको पहले से पता था कि मैं आने वाली हूँ, इसीलिए तो तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पता है मौसी, वो ना आपके जतिन मौसा का हो क्या? ना ना, बिल्कुल नहीं। गलती से किसी के सामने जुबान से निकल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओ, तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? जतिन मिलने आया था? हाँ, वो हमारे घर आए थे। क्यों? वो इसलिए। लेकिन एक और वादा करो बिटिया, तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओ। क्या सोचने लगी बिना? कुछ नहीं मौसी, आप मुझे कुछ देने वाली थी और मैं आपसे कुछ लेने वाली थी। हाँ देती हूँ, पर तुम क्या सोच रही थी? आपको वो जतिन जी ने बताया नहीं, मुझे लगा उन्होंने ही आपको यहाँ बुलाया होगा। हाँ हाँ, अपने दिमाग की घोड़ी मत दौड़ाओ, मुझे बहुत देर हो गई है। अब देर हो गई तो बाबू जी नाराज हो जाएंगे। ये लो। अरे ये तो वही है ना जो हम लोग उस दिन लेकर आए थे, वही है ना ये? हाँ हाँ वही है। अब इसको संभाल के रख दो, किसी की इस पर नजर ना पड़े। और ख्याल रख के जाना, किसी को भनक तक ना लगे, है ना? ये वादा तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अच्छा मैं जाती हूँ। हाँ श्रीकांत, ये मुझे वापस दे, देखिए खेलने की चीज नहीं है। मैं नहीं दूंगा, क्या कर लोगी? श्रीकांत ये मुझे वापस दे। नहीं दूंगा, पहले बताओ क्या है इसमें। आपने वकालत की पढ़ाई की है, आप अंग्रेजों के कानून जानते हैं और इसीलिए आप परेशान हैं। लेकिन इस बारे में बाबूजी को समझाना बहुत मुश्किल है। गायत्री, आज महानंद हमारे घर आया है, कल इससे मिलने के लिए, इसे देखने के लिए दूसरे क्रांतिकारी आएंगे, फिर बात छुपी कब तक रहेगी? और एक बार जब बात खुल गई ना, फिर बहुत बड़ी बात बन जाएगी। हाँ, आज का अखबार पढ़ा है तुमने? महानंद के बारे में खबर छपा है। अखबार पढ़ के क्या फायदा भैया, बाबूजी तो मानने से रहे। बच्चे भी बड़े शरारती हो गए हैं। इधर आ, चल इधर आ। हाथ में क्या है, निकाल। ये क्या है? पता नहीं, बहुत वजन है इसमें। Thank you.
श्रीकांत यहाँ, किसने दिया तुम्हें? कहां से लेके आया है तू? बता बेटा कहां से लाया ये? अरे बोलना कहां से लाया तू इसे? ये मैंने लाया, ये बिना दीदी लाई थी, मैं तो बस उनसे छीन के लाया, मुझे लगा इसके अंदर खिलौना होगा। बाबूजी सरा बाहर आएंगे? हाँ सही है, बाबूजी को ये दिखाना ही चाहिए कि अभी घर में हथियार आने लगे। क्या बात है बनमाली? ये देखिए बाबूजी, अब हमारे घर से ये सब भी सप्लाई किया जाएगा। देखिए ये तुम्हें कहां से मिला? बीना से श्रीकांत छीन कर लाया है। अब बीना को कहां से मिला ये तो वही बता सकते। बीना ये बताओ ये तुम्हें किसने दिया? जवाब दो, किसने दिया ये? कहां से लाई हो? सही सही बताओ कि ये तुम्हें किसने दिया, कहां से लेकर आई हो? अरे बताओ ना कहां से लाई हो तुम? बनमाली अपना गुस्सा काबू में रखो। बाबूजी एक बात कहूं, अब तो हमें ये लगने लगा है कि हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। क्रांतिकारी हमारे घर में, हथियार हमारे घर में। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहां किसी खतरे में हो तो कुछ दिनों के लिए तुम लोग कहीं और जाकर रह सकते हो, लेकिन तुम्हारे इस डर की वजह से, तुम्हारे इस सोच की वजह से मैं किसी देशभक्त को घर से जाने के लिए नहीं कहूंगा, समझ गए तुम लोग? अरे रूमा। जी मां। तुम तो बीना से मिलने गई थी ना? हाँ। तो बीना कहाँ है और तुम अकेली आ रही हो? वो बीना वापस चली गई। क्यों, तुम उसे लेकर क्यों नहीं आई? माँ वो नहीं आई, वो चली गई। पर ऐसा क्या हो गया कि वो घर के पीछे तक आई और घर में नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर वालों ने उसे यहाँ आने के लिए मना कर दिया हो? नहीं नहीं बाबूजी, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है बताओ? हम लोग तो ये बात कर रहे थे कि तुम बीना से मिलने गई हो तो उसे लेकर आओगी। पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीना घर के पीछे तक आए और घर में ना आए, और तुमने भी बिना कुछ खाए पिए उसे जाने दिया। इतनी धूप में वो तुमसे मिलने आई और तुमने उसे चले जाने दिया। ये सवाल किस लिए बाबूजी? आप बेवजह ही बड़े बाबूजी और उनके परिवार पर शक कर रहे हैं। बीना को किसी ने कुछ मना नहीं किया, वो तो आई थी। वो ये सोचकर आई कि मैं इंतजार कर रही होंगी। अरे तो कुछ देर के लिए घर भी आ जाती। कह रही थी कि स्कूल का होमवर्क करना है और सारा होमवर्क आज ही करना है। अब ऐसे कह दिया तो मैं कैसे रोकती उसे? और जब भी दोबारा आएगी यहाँ जरूर आएगी। ठीक है, बिना से ये तो पता कर ले कि ये हथियार उसको किसने और क्यों दिया है। मैं बताता हूं, थैंक यू।
घर में इतना सब कुछ हो गया और बीना ने अपनी जबान नहीं खोली। धन्य है भारत माता और धन्य है भारत की भूमि, जहां बच्चे बच्चे की इतनी सहन शक्ति और मातृभूमि के लिए ये जज्बा। अब तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारे देश को आजाद होने से कोई रोक नहीं सकता। हमने जो अलख जगाई है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं नहीं मीना को बताने से मना किया था कि वो किसी को ये ना बताए कि ये सामान किसका है और उसे किसने दिया है। इसीलिए बीना ने ये बात सबसे छुपाई। खैर, अब मुझे लगता है कि मेरे लिए इस घर का दाना पानी सिर्फ आज तक ही था। अब मुझे यहां से चला जाना चाहिए। नहीं नहीं महानंद जी, मैं आपको इस हालत में कैसे जाने दे सकता हूं। अब मैं चलने फिरने के लायक हो चुका हूं। और वैसे भी क्रांतिकारियों को तो 12 घंटे या 24 घंटे से ज्यादा किसी एक जगह पर रहना भी नहीं चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए। पता नहीं महानंद जी, आप सिर झुकाए शर्मिंदा होकर जा रहे हैं या आज मैं अपनी बेटों की वजह से शर्मिंदा हुआ हूं। आप दुखी मत होइए, ऐसा नहीं है कि आपने अपना फर्ज नहीं निभाया, आपने जितना हो सका उतना किया। लेकिन अफसोस, जाते वक्त महानंद जी ने वो सब कुछ सुना जो मैं नहीं चाहता था। महानंद जी तो वैसे भी चले जाते, मेरे ही बेटों के शब्द मेरे ही दिल पर बोझ बन गए। दिल पर बोझ मत रखिए, महानंद इस बात को अच्छी तरह समझता है कि सबकी सोच अलग होती है। अब ये सोचिए कि उसके घर में इस विषय को लेकर सबकी सोच अलग है, पर वो किसी की सोच को गलत नहीं ठहराता है, वो तो अपनी ही सोच के साथ चल रहा है। हाँ, ये बात तो सही है कि देश को आजादी दिलाने का एक जुनून है जो ये नहीं सोचता कि पड़ोसी क्या कर रहा है या दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो तो अपने ही दिल की आवाज पर ये लड़ाई लड़ रहा है। और यही नहीं, हमारे सारे नेता ये सोचकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये लड़ाई उनकी अपनी है। काश उनके लिए बनमाली और कन्हाई के दिल में थोड़ी तो इज्जत होती, थोड़ा तो सम्मान होता। जाने दीजिए, कब तक इस बात को लेकर आप दुखी होते रहेंगे? वो दोनों हमारे बेटे हैं, कैसे भी हो हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही होगा। नाना जी, मेरी गलती की वजह से ये सब हो रहा है ना? नहीं नहीं बीना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मुझे तो दुख इस बात का है कि बनमाली ने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया। मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है, बस आप दुखी मत होइए। तुमने किसी को बताया नहीं बिना? आखिर तुम वो हथियार कहाँ से लेकर आ रही थी? नानी, उसे जिसने भी दिया उसने उसके बारे में मुझे बताने से मना किया था,
अब आप उसी के बारे में पूछ रही है। अगर मैंने आपको बता दिया कि वो मुझे किसने दिया था तो मेरा वादा नहीं टूट जाएगा। बाबीना, आज मुझे तुम पर गर्व है। तुमने ये बात अब तक किसी को नहीं बताई ना, तो अब जशोदा और मुझे भी बताने की कोई जरूरत नहीं। तुम किसी को मत बताना। किसी को नहीं बताऊंगी नाना जी। देखा जशोदा, इस मासूम को देखो, इसे ये भी नहीं पता कि ये लड़ाई क्यों और किस लिए है, फिर भी ये अपनी जुबान पर और अपनी वादे पर कायम है। नाना जी, आप मुझे ये बताइए कि लोग क्रांतिकारी क्यों बनते हैं? क्या आपको पता है कि आपके पति इसी इलाके में कहीं छुपे हुए हैं? वो आप लोगों के आसपास ही हैं? हाँ मालूम है, लेकिन ये कैसी बदनसीबी है कि वो करीब तो हैं, लेकिन हमें देखने नहीं आ सकते। घर में कौन कौन है? जी अभी तो हम दोनों ही हैं। घर में बिना नाम की लड़की कौन है? हाँ वो हमारी भांजी है, कहिए। आपके घर में कोई ऐसा भी है जिसका संबंध कोई क्रांतिकारी से भी है? क्या बात कर रहे हैं आप? इस इलाके में जाकर आप किसी से भी पूछ लीजिए। अब मैं जो कहती हूँ वो कीजिए। ठीक है भाई, नाराज क्यों हो रही हो? और किसी को सीता और दामाद जी के पास भेज दीजिए, जो उन्हें बता भी देगा और साथ लेकर भी आएगा। ठीक है, कल मोहिराम को भेज देता हूँ।